ये है पुरानी सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी के पास चौक में ही कुमारवाड़ा रोड पे है, और कुमारवाड़ा रोड से ही हम चलेंगे जसवा माता मंदिर, जहाँ पर हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा पर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। चलिए बिना देर किए चलते हैं मंदिर की तरफ पे, जहाँ पर खूबसूरत सजावट की गई है। और सर्द मौसम है, सर्द आज से प्रारंभ हो जाती है। तो आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या की बधाई शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा धर्म और पुण्य का दिन होता है हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म। तो बहुत ही खूबसूरत सजावट। तो हम पहुंच चुके हैं जसवा माता मंदिर पर, जहां नन्हे मुन्ने बच्चे देखिए कैसे आराम से हाथ जोड़कर खड़े हैं, और ये देखो तैयारी पूरी चल रही है। बहुत ही खूबसूरत हर बार सजाया जाता है। आप सोचिए उस ज़माने में जब यहां केलुपेश मकान हुआ करते थे, कच्चे पक्के मकान हुआ करते थे, और कुछ पुराने मकान आज भी हम देख सकते हैं, 100 साल 200 साल पुराने मंदिर है, मकान है, और ये पूरा 54 साल पहले बनाया हुआ हमारा और समाज का प्राचीन मंदिर है। और हमारे नाना अंकल हमारे सामने हैं। हाँ अंकल, क्या कुछ कार्यक्रम है आज आराती जगह है? हाँ, क्या कार्यक्रम किया है? कार्यक्रम तो क्या है, सब जना आवे तो कार्यक्रम ही कार्यक्रम है। आराती जगह है? हाँ, आराती की जगह। काले कई बेगा काले खाना है? कल खाना अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव तो कल है हमारा, अन्नकूट महोत्सव जो कि हर साल होता आया है, और हम बड़े ही भाव के साथ सारे लोग बड़े ही अन्नकूट महोत्सव का आनंद लेते हैं। इस तरफ देखिए, हाँ हाँ लजीज कई बनायो, बेसन चक्की हाँ हाँ, और खोपरा पाक, खोपरा पाक लाडू, और देखो तैयारी अंतिम चरण पे है। तो यही एक ऐसा पर्व आता है जब पूरा बाजार सज जाता है, और बढ़िया सी सजावट, लाइटिंग, डेकोरेशन, और बहुत ही खूबसूरत है। और तो एक समय था जब और समाज के काफ़ी परिवार यहाँ रहते थे, और सभी यहीं अपना मेहनत मजदूरी करते थे, और उसी समय उनकी कितनी बड़ी सोच थी कि उन्होंने खूबसूरत मंदिर, उस समय काज की जड़ाई बहुत ही प्रसिद्ध थी। और अब तो नई नई डिज़ाइन आ गई है, फिर भी काज की जड़ाई आज भी अपना मायने रखती है। देखो बहुत सारे संदेश यहाँ पे दिए गए हैं, इंसान के धर्म कर्म, उसके जीवन जीवन। तो आप सभी अपने क्षेत्र में इसी प्रकार से माँ अपने सती माता जसमा जी, जो कि और समाज की सती माँ हैं, आप भी अगर और समाज से हैं तो आप अपने माता जी का मंदिर बनाइए। और खूबसूरत मैं देख रहा हूँ कि गुजरात के कई शहरों में मातेश्वरी के मंदिर बन चुके हैं, कई शहरों में और भी बनने जा रहे हैं। आप देखिए कि जैसलमेर में बन गया है पूरा प्राचीन मंदिर पुराना, उसके बाद हम देखें कि पाली में बना हुआ है, उसके बाद में अभी बीकानेर में नया मंदिर बन गया है, जूनागढ़ में बन गया है, बोटाद में मंदिर तैयार है, सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा करनी बाकी है, उसके बाद राजकोट में मंदिर बन पुराना मंदिर है वो भी बना हुआ है, कई शहरों में मंदिर के काम चल रहे हैं, और अभी चित्तौड़गढ़ में भी मंदिर की तैयारी चल रही है, भीलवाड़ा में मंदिर बना हुआ है, इस प्रकार से कई स्थानों पर। तो चलिए अधिक जानकारी के लिए चलते हैं मामा जी के पास। मामा जी बैठे हुए हैं, और मामा जी मिलनसार है, और भारतीय जनता पार्टी में OBC के पद पे अभी आसीन है। जय हो जसवा माता रानी की जय। आज जसवा माता के चरणों में बैठे हैं पंडित जी, हमारे साथ बैठे हैं बंसी जी, बहुत ही पुराने वरिष्ठ, बहुत ही अनुभवी, हम सब माता जी के चरणों में बैठे हैं। बहुत ही जल्दी हम भजन, एक जो भी हम भजन आता है, और भी भजन गायक तुलसीराम जी आ रहे हैं, पप्पू आ रहा है, गणेश जी आ रहे हैं, गोविंद भाई हमारे साथ ही है, तो माता जी के चरणों में हम सब माता जी को समर्पित हैं, हमारा जीवन उनको समर्पित है। और जहाँ तक भैया बचपन के बाद मैं मोती छोटा कर्जिले हाउस में रहता था, तब मेरे
कभी पापा के साथ भाई साहब के साथ आता था, तो लगभग ये 30-35 साल पुरानी बात है। तो वास्तव में चल रहा है, बरसों से सेवा में लगे हुए हैं। उस टाइम छोटे लेवल पे होता है, आज बड़े लेवल पे कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन मैं सब समाज जन से भाइयों से ही निवेदन करता हूँ, माताजी के भजन कीर्तन में अगर माताजी को आज अपन भजन कीर्तन का मतलब ये नहीं है कि आपने भजन कीर्तन कर लिया माताजी को अपन न्योता देते हैं भजन कीर्तन में, माताजी समझते हैं, वो कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, माताजी आके फिर सबको आशीर्वचन देने आते हैं। तो भजन कीर्तन तो हमेशा होना ही चाहिए। तो हम ही भक्त हैं, लगभग 54 वर्ष हुए हैं इस मंदिर को। 54 वर्ष आपकी उम्र भी? मेरी 53 साल हो गई है। मंदिर और आपकी उम्र मुझे लगता है बराबर है। नहीं, मंदिर तो ठीक है उनके बराबर है, लेकिन हाँ ठीक है, मैं 35-35 साल से मैं भी आ रहा हूँ माताजी के चरणों में। माताजी जैसा रखे जैसा रहना है। कितना बदलाव होता जा रहा है धीरे धीरे, उस समय की बात करें और आज का हम देखेंगे बदलाव? देखो बहुत से सोचते हैं मैंने ये कर लिया वो कर लिया अच्छा हो गया, कोई करने वाला नहीं। सब बैठे हैं, माथे सिर भी बैठी है, ठाकुर जी बैठे हैं, चार भुजा नाथ बैठे हैं, वो जो करेंगे वही होगा। कोई गलत फहमी नहीं पाले, मैं तो यही निवेदन करूँगा, क्योंकि मेरा खुद का जीवन 10 दिन जगह फोर्टिस में रहा, 7 दिन होश आया। अगर उसने माता जी ने मेरे को वापस जिंदा कर दिया तो कोई मार सकती, मैं तो एक विचार यही है। इसलिए कोई गलत फहमी नहीं पाले, बस कर्म कर किए जा, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान। जो भी आपको कर्म किया है अपने समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, कर्म किए जाओ, बस माता जी के चरणों में रहो, माता जी अपने आप अपनी सुनवाई करेगी। ज़्यादा पाने की आकांक्षा इच्छा अपेक्षा मत रखो, ज़्यादा लालसा मत रखो, जो भी अपने हाथों से बन पड़ता है वो करो, बाकी करने वाला तो ऊपर वाला बेटा गलत पे भी। बस यही मैं निवेदन करूँगा। जहाँ जहाँ सती माता के मंदिर बने वहाँ वहाँ बदलाव भी हुए, आप क्या सोचते हैं? नहीं, सती माता देखो, सती तो बहुत ही बड़ी सती है, उनका तो वास्तव में अपन गुणगान में भी नहीं कर सकता, बहुत ही ग्रंथों में किताबों में बहुत कुछ पढ़ा है। करने वाली सती माता ऊपर बैठा प्रभु वही करता है। वास्तव में धीरे धीरे हो रहा है, बदलाव हो रहा है, अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े अच्छे काम होने चाहिए, सबका हित हो, सबका भला। बचपन वाला किस तरह का आपके बचपन का माहौल था या कैसे मकान कैसे थे, क्या कच्चे थे, झोपड़ी कोस थे उस जमाने के? वो तो देखो उस टाइम धीरे धीरे सारे हवेलियाँ बन गई है, बड़ी बड़ी बन गई है, सब माता जी की कृपा है, सब बढ़ते रह गए। हाँ तो छोटे थे, आज तो बड़े बड़े देख रहे हैं, वो सब माता जी की कृपा दृष्टि है, आगे होती रहेगी। झोपड़ी में राम आएंगे, वो तो उस समय आगे थे। भगवान को कड़े बड़े बड़े बिल्डिंगे कुछ नहीं चाहिए, ये एक दिन सबको छोड़ के यहीं जाना, कोई गलत फहमी नहीं पाले। करने वाले माता जी, पाने वाले सिन्हा जी, देने वाले सिन्हा जी, ठाकुर जी पाने वाले देने वाले वही है। इसलिए आप कितना भी कुछ कर लो, अल्टीमेटली एक दिन वो आएगा, ऊपर भी जाके जवाब देना है। ऊपर वाला सब अपने कर्म लिख रहा है, आप जो भी कर रहे हो, गलती कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, किसी का बुरा कर रहे हो, वो दुखी हो रहा है, आप खुश हो रहे हो, लेकिन ऊपर वो सारा लिखता है, वहाँ पे भी जाके जवाब। इसलिए काम अच्छा कर लो तो यही जवाब दो, ऊपर वाला को टाइम नहीं, यहाँ पे सारी चिंता पड़ी हो रही है, ये भुगत के जाना। इसलिए अच्छा कर्म करो तो ऐसा होगा, मेहरबानी होगी, अच्छा होगा। क्या करते हैं हर साल अपन? हर साल क्या करते हैं? हर साल भजन कीर्तन करते हैं, बड़े बड़े साधु संत आते हैं, बहुत बड़े यहाँ माता बहने सब आती है, रात को भजन चलते हैं। और अगले दिन कल जैसे अन्नकूट होगा विशाल, सारे समाज जन आएंगे, बस माता रानी के भजन कीर्तन करते हैं अपन। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी का, धन्यवाद बाबूलाल जी, और जो कि भारतीय जनता पार्टी में OBC जिलाध्यक्ष के पद पर अभी आसीन है। और आप देखें कि ये पूरा मंदिर जो है लगभग 53-54 साल पुराना मंदिर है। और आपको बता दें कि एक ज़माना था जब 400-500 साल पहले से ही यहाँ लोग हमारे और समाज के बसे हुए थे, मेहनत और मजदूरी किया करते थे और यहीं रहते थे। आज भी आप देखें कि इनके अवशेष आज भी यहाँ पे मौजूद है, आज भी गवाही दे रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे लोग उस समय रहते थे और बड़ी संख्या में मेहनत और मजदूरी। आपको बता दें कि उदयपुर में जब पहली बार रेलवे जब आई थी तब उसकी जो पटरे बिछाई गई थी वो पटरे भी हमारे इन बड़े समुदाय द्वारा बिछाई गई थी। उसके बाद में अलग अलग शहरों में, कोई गुजरात चले गए, कोई सूरत, कोई भावनगर, कोई अलग अलग जगह जो है लोग चले गए और उसके बाद में मिल नहीं पाए। तो हमारा जो उद्गम है वो चित्तौड़ से माना जाता है, चित्तौड़ से हम लोग बिखरे थे, जो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रांतों में हम चले गए और वहीं जाकर बस गए। और उदयपुर में हम राजा महाराजा के प्राचीन ज़माने से हम यहीं निवास करते हैं और उसका उदाहरण है ये 54 साल पुराना ये प्राचीनतम
प्राचीन मंदिर आज भी हमारे बीच में मौजूद है, और हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम सभी मिलकर बड़े भाव के साथ मातेश्वरी को 56 भोग का चढ़ावा और प्रसाद और विशाल भंडारा आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी आप इसके खूबसूरत नज़ारे आप देखेंगे और हम सभी मिलकर जो है इस कार्तिक पूर्णिमा का विशाल भंडारे का आनंद। और ये है हमारे जमुनादास जी पुजारी जी है जो कि इस मंदिर की पूरी देखरेख भी करते हैं, मेहमानों की अगुवाई, देखिए कैसे हाथ से काम करते हुए। हाँ जी, जय श्री राम। तो वैसा राम राम सर। राम राम राम। तो ये हमारे पुजारी जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वास्तव में और समाज में प्रगति और आगे पथ पे जाना है तो आप भी अपने शहर में, अपने गांव में, अपने डाणी में मातेश्वरी का हृदयाच कीजिए, याद कीजिए। माँ सती माता का मंदिर अपने गांव में, अपने तहसील में, अपने घर के आसपास में बनाइए और खूब भक्ति का आनंद लीजिए, खूब भक्ति कीजिए। मातेश्वर की कृपा आप सब पे बरसती रहेगी और बरसती रहे, हम तो यही चाहते हैं। आप सभी सदा खुश रहे, समृद्धि रहे और माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी को जय माता दी, जय जसमा जी की और कार्तिक पूर्णिमा की बधाई शुभकामनाएं, और आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आनंद के साथ मातेश्वरी की सेवा करते रहे। जमुनादास जी हमारे पुजारी जी जो कि यहाँ सेवादार है और वो नियमित कई सालों से सेवा कर रहे हैं।